Hello everyone, welcome back to my channel again. Hi, I am Kesti and I am a makeup and fashion enthusiast. Well, नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा बोथ आर कमिंग, दिस इज द फेस्टिव सीजन और आज से मैं जितना सारा वीडियो क्रिएट करूंगी वो नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा रिलेटेड होगा। एंड इस टाइम में मुझे पता है कि सबके घर में जोरों शोरों से शॉपिंग चल रही है और सब बहुत एक्साइटेड है और इस टाइम पे हम अपना बेस्ट लुक में खुद को देखना चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आई शेडो के बारे में, हाउ टू डू आई शेडो। अगर आप बिगिनर हैं और इस टाइम में अगर आप अच्छा आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस पैलेट में आप इन्वेस्ट करें, कौन सा पैलेट आपके लिए अच्छा होगा, या फिर अगर कलर कोऑर्डिनेशन को लेके इतना सारा कलर रहता है तो कौन सा कोऑर्डिनेशन आपके लिए अच्छा होगा, या फिर बहुत सारा फिनिश भी रहता है, कौन सा फिनिश आपके लिए अच्छा होगा, इन सबको लेके अगर कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। होप इट विल हेल्प यू अ बिट। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आई शेडो पैलेट को लेके या फिर आई शेडो को लेके क्या क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सबसे पहले तो अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप किसी आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक आई शेडो पैलेट में तो बहुत सारा कलर रहता है तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा कलर आपके लिए सूटेबल होगा या फिर कौन सा कलर आपको यूज़ करना चाहिए। स्पेशली अगर आप किसी ओकेशन में जा रहे हैं तो किस कलर को किस कलर के साथ ब्लेंड करने से आपको लगता है कि वो सही दिखेगा, या फिर जैसे आप YouTube में देखते हैं, Instagram में देखते हैं कितना अच्छा आई शेडो लुक वहाँ पे आप देखते हैं पर वो जब आप क्रिएट करने जाते हैं तो वैसा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, वैसा आप क्रिएट नहीं कर पाते। तो आज इस एपिसोड में मैं वही डिस्कस करूंगी कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, कौन सा कलर चूज़ करना है और कैसे चूज़ करना है। सेकंड पॉइंट जो है, एक ट्रांजिशन शेड बोल के आपका आई मेकअप में एक टर्म होता है, मुझे पता नहीं है कि आपको ट्रांजिशन शेड के बारे में पता है कि नहीं पता है। सो ये ट्रांजिशन शेड क्या होता है, ट्रांजिशन शेड किसको बोलते हैं, डू वी इवन नीड अ ट्रांजिशन शेड और नॉट, आई एम गोना डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। थर्ड जो प्रॉब्लम एक बिगिनर फेस करता है वो है ब्लेंडिंग प्रॉब्लम और इसी के साथ रिलेटेड है हमारा चौथा प्रॉब्लम जो कि है ब्रश रिलेटेड, क्योंकि आई शेडो के लिए कुछ ब्रशेस बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ब्रश आप ठीक तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे या फिर वो सारे ब्रशेस आप अप्लाई नहीं कर रहे तो ब्लेंडिंग में एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं तो घर में उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए जब भी आपको टाइम मिले। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जा रहे हैं एंड उसी वक्त आप आई शेडो को लेके यू नो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने लगे, नो, क्योंकि कहावत ही है कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। और अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप किसी आई शेडो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं यही सलाह दूँगी कि पहले ही बहुत ज़्यादा कीमती आई शेडो पैलेट को आप चूज़ मत कीजिए। मैं तो बोलूँगी कि आप बहुत नॉमिनल जो आई पैलेट है जिसमें ज़्यादा कलर कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप वैसा आई पैलेट चूज़ करें और उसको आप घर में थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आपका हाथ सेट हो जाएगा देन यू कैन मूव ऑन टू सम एक्सपेंसिव पैलेट। तो एज एन एग्जाम्पल मैं आपको ये दो पैलेट दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं ये छोटा है, मिनी पैलेट है, ये आपका मेबलिन न्यूयॉर्क का कलर सेंसेशनल का सफ़ायर ब्लू पैलेट है जिसको आपने कई बार देखा है मेरे वीडियो में, मैं यूज़ करती हूँ। और ये एक जो है ये आपका मेबलिन का ही द नूड पैलेट है जिसमें सारे नूड शेड्स है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो आप सबसे पहले ऐसा कोई छोटा मिनी पैलेट में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ बहुत सारा कलर कोऑर्डिनेशन नहीं हो। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने कहा कि ये न्यूड पैलेट के ऊपर है और ये जो है आपका एक इसमें कलर जो है कलर ब्लॉकिंग जो है वो ब्लू के ऊपर है। जब भी आप आई शेडो पेयर करेंगे आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है कि आप कोई भी लुक क्रिएट कीजिए उसमें से एक न्यूट्रल शेडो आपके पैलेट में होना ही चाहिए। वैसे एग्जांपल के तौर पे चलिए मान लेते हैं कि आप शायद कोई वाइब्रेंट कलर चूज़ कर रहे हैं जैसे कि वाइब्रेंट ग्रीन या वाइब्रेंट ऑरेंज हो, तो ऐसा कलर जब आप चूज़ करते हैं तो आपको वो उस लुक को रेगुलर वेयर भी बनाना ज़रूरी होता है ताकि आप कहीं पे उस लुक को कैरी कर सकें। तो अगर आप सोच लीजिए कि कोई ऑरेंज के साथ अगर आप येलो कोई शेडो को पेयर करते हैं तो वो और ज़्यादा वाइब्रेंट दिखेगा और रेगुलर वेयर के लिए इट वोंट बी सूटेबल। पर उसे में अगर आप उसे ऑरेंज शेडो के साथ कोई भी न्यूट्रल शेड को चूज़ करेंगे तो वो जो ऑरेंज टोन है, वाइब्रेंट टोन है, उसको थोड़ा सा टेम डाउन कर देगा एंड इट विल बी गुड फॉर यू नो रेगुलर वेयर, डेली वेयर, मतलब वो और ज़्यादा वेरेबल हो जाएगा। तो ऐसे न्यूट्रल शेड्स कौन से होते, जो शेड्स आपके स्किन टोन के कलर के आसपास हो उसको हम न्यूट्रल शेड कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऐसा कुछ शेड्स जो है। वैसे मैं यही पैलेट में ले लेती हूँ एग्जांपल के तौर पे, अभी तो मेरे पास यही है। यहाँ पे ये जो शेड्स आप देख रहे हैं, ये एक शेड है, ये इसका जो कलर है ये आपका न्यूट्रल कलर है, तो ये कलर हो गया। फिर फेयर स्किन के लिए ये जो कलर है ये भी एक न्यूट्रल शेड है, इसका कलर भी आप देख सकते हैं, थोड़ा वैनिला शैम्पेन कलर है, ये भी एक न्यूट्रल कलर है। और फिर ये जो कलर आप देख रहे हैं ये शेड भी एक न्यूट्रल शेड है, जो कि मीडियम स्किन वालों के लिए या फिर डार्क स्किन वालों के लिए, ऐसे शेड्स में बोल रही हूँ जो आपके स्किन के आसपास, आपके स्किन कलर के यू नो आसपास का हो। अब दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखना होगा कि आई शेडो दो फिनिश के होते हैं, एक आपका मैट फिनिश आई शेडो होता है और एक आपका शिमरी फिनिश आई शेडो होता है। तो आप जब भी कोई आई शेडो पैलेट खरीदेंगे उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये दो टाइप के आई शेडो उस पैलेट में हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ मैट शेडो आपके आईज पे यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा फीका दिखेगा, और अगर आप सिर्फ शिमरी शेडो यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा यू नो थोड़ा ज़्यादा ही डिस्को बॉल जैसा लगता है। तो इसीलिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए मैट एंड शिमरी दो फिनिश का आई शेडो आपके पैलेट में होना ज़रूरी है। और जब आप आई लुक क्रिएट करेंगे ऑलवेज कंबाइन मैट एंड शिमरी शेडोज टुगेदर। अब आते हैं कलर ग्रेडेशन में। जब भी आप कोई आई मेकअप या आई लुक क्रिएट करने वाले हैं आपको देखना पड़ेगा कि आप जो भी शेडोज यूज़ कर रहे हैं उसमें एक लाइट शेडो, एक मीडियम शेडो और एक डार्क शेडो होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्रेडेशन नहीं होगा, अगर आप सिर्फ डार्क या सिर्फ लाइट शेडो से पूरा आपका आई मेकअप क्रिएट करेंगे तो एंड रिजल्ट उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है। आई शेडो का मतलब होता है आप आईज़ के ऊपर एक शेडो क्रिएट करते हैं, तो अगर वो ग्रेडेशन नहीं आएगा, अगर वो शेडो क्रिएट नहीं होगा तो आप जो लुक अपने दिमाग में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लुक मतलब वो निखर के नहीं आता है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आई शेडो कितने टाइप के होते हैं। एक आपका होता है मोनोक्रोमैटिक लुक और दूसरा जो होता है पॉलीक्रोमैटिक लुक। तो मोनोक्रोमैटिक लुक किसको कहते हैं, आप जब कोई एक कलर चूज़ करते हैं और उसी का लाइट, मीडियम और डार्क शेड लेके एक लुक क्रिएट करते हैं उसको हम मोनोक्रोमैटिक लुक कहते हैं। और पॉलीक्रोमैटिक लुक हम किसको कहते हैं, जब आप दो तीन कलर के शेड्स चूज़ करते हैं और उसी में से सबसे जो लाइट है और मीडियम में और डार्क शेड है उसको लेके आप एक लुक क्रिएट करते हैं, उसको हम पॉलीक्रोमैटिक लुक कहते हैं। तो अगर आप आज मेरा आई शेडो देखेंगे आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ पिंक को अपना कलर बेस चूज़ किया है और उसी से मैंने ये आपका आज का जो लुक है क्रिएट किया है। तो मैंने एक डार्क पिंक यूज़ किया है, एक मीडियम पिंक यूज़ किया है और एक लाइट पिंक यूज़ करके ये मैंने जो पूरा लुक है ये मैंने आज क्रिएट किया है। तो दिस वन इज़ मोनोक्रोमैटिक लुक। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पॉलीक्रोमैटिक लुक कैसा होता है, मान लीजिए आपने एक येलो शेडो लिया है, एक वायलेट शेडो लिया है और एक ग्रीन या पिंक शेडो लिया है, तो इसमें से पकड़ लीजिए कि येलो शेड जो है वो आपका मीडियम शेड है, तो उसको आप आपके इनर कॉर्नर में रख सकते हैं या फिर हाफ ऑफ द आईलिड में उस शेडो को रख सकते हैं। पिंक शेडो शायद थोड़ा सा यू नो लाइट शेड हो गया, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, आपका ट्रांजिशन शेड यूज़ कर सकते हैं। और जो वायलेट शेड है शायद वो सबसे ज़्यादा डार्क शेड होगा आपके पैलेट में, तो उस वायलेट शेड को लेके आप आउटर हाफ जो है या फिर जो वी है आपका उसको आप क्रिएट कर रहे हैं, और जो लाइट पिंक है उससे आप उसको ब्लेंड कर रहे हैं। तो ये तीन शेड्स, अलग अलग जो तीन शेड्स है इसको मिला के अगर आप कोई लुक क्रिएट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक लुक। पर इसमें भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसमें भी आपको एक लाइट, एक मीडियम और एक डार्केस्ट शेड रखना पड़ेगा। तो आप जब भी इस वीडियो को देखने के बाद कोई आई मेकअप क्रिएट करेंगे तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा और इसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आज मैं इतना ही डिस्कस करूँगी क्योंकि अगर एक वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया तो वो ज़्यादा हेवी हो जाएगा और आप उसको ध्यान में भी उतना रख नहीं पाएंगे। मतलब पूरा, मान लीजिए पूरा साल आप अगर नहीं पढ़ाई किए और एग्ज़ाम से पहले अगर आप सब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं पार्ट बाय पार्ट जाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो एनाटॉमी है आई का उसके बारे में आपको बताऊंगी और आई शेडो से कितना सारा आई शेडो लुक आप क्रिएट कर सकते हैं, उसका कितना टाइप होता है। जैसे कि आपने सुना होगा शायद कैट आई लुक होता है या फिर स्नो ग्लोब लुक होता है, तो वो जो है आप कैसे उस लुक को अचीव कर सकते हैं या फिर उस लुक के लिए आपको किस ग्रेडेशन में आई शेडो को मिक्स करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज तक बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा होगा कि आपको किस हिसाब से आई शेडो चूज़ करना है, कौन से पैलेट में इन्वेस्ट करना है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपके दोस्तों में ऐसा कन्फ्यूजन है तो उनके साथ शेयर कीजिएगा। और ये अगर मेरा चैनल जो है आपको पसंद आ रहा है या फिर मेरे चैनल के जितने सारे वीडियोस हैं अगर लग रहा है कि आपको थोड़ा सा भी वो हेल्पफुल है आपके लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा काम करने का चाह होगा। और आपको तो पता ही है कि बेल बटन जो है वो सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल बटन है, उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि मैं कब अपना वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वैसे यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं एवरी वीक फ्राइडे में वीडियो अपलोड करती हूँ, पर अभी मुझे एक्चुअली थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि और भी दो चैनल्स का काम मैं कर रही हूँ एक साथ। तो मैं फ्राइडे को अभी थोड़ा शिफ्ट करूँगी। आई विल अपलोड इन ईदर सैटरडे और संडे, अभी तक मैंने फिक्स नहीं किया है। तो तब तक बहुत ज़्यादा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, बहुत ढेर सारा शॉपिंग कीजिए। सो सी यू नेक्स्ट वीक विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसको चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय गाइस।